दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम सोचते हैं इन विचारों का उद्भव स्थान क्या है? ये विचार कहां से आते हैं? क्या मन या फिर हमारा माइंड कह ले उसमें से आप सोच में पड़ गए ना? क्या हम हमारे विचार या फिर हमारे मन पे काबू पा सकते हैं? हमारा मन तो देखा जाए तो कहीं एक जगह पे टिकता नहीं, तो क्या उसकी ये चंचलता मेडिटेशन या ध्यान से काबू में आ सकती है, या फिर ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस ही है? चलिए सुनते हैं पूज्य निरुमा से। मन में विचार ज्यादातर आते रहते हैं लेकिन उसका कुछ एक्शंस होता नहीं है। विचार आता रहता है ऑल द टाइम, एवरी मोमेंट्स, एवरी सेकंड्स, बस वही उसका काम है, दूसरा कुछ काम ही नहीं है। सो रियल जो होता है, जो प्रेजेंस में कुछ होता रहता है, वो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है और मन के अंदर ही वो विचार चलते रहते हैं। तो ये क्या, इसमें से कैसे निकल सकते हैं या क्या कारण होगा? ये जो विचार है ना, विचार जो आते हैं हमको, वो मन की ग्रंथि में से आते हैं। इसे मनोग्रंथि कहा जाता है। मनोग्रंथि, मन या ग्रंथि यानी गांठ उसका बना हुआ। पिछले जन्म में ये ग्रंथि उत्पन्न होती है। अज्ञान दशा में जो भी कुछ सामने आता है उसमें राग या द्वेष से तन्मयाकार होते हैं, तो वो परमाणु सब चार्ज होते हैं। तो चार्ज परमाणु का मैग्नेटिक फील्ड खड़ा होता है और वो अट्रैक्ट होते हैं आत्मा के पास और आके वहाँ कलेक्ट होते हैं। जितना ज्यादा होता है तन्मयाकार जिस उस चीज में, उतने ज्यादा परमाणु आप चार्ज करके खींचते हो, तो उतने परमाणु ज्यादा अपने पास इकट्ठा होते हैं, उसकी बड़ी ग्रंथि बनती है। एक्चुअली तो बताते हैं लेकिन तो बहुत सूक्ष्म में होती है, दिखाई दे ऐसी नहीं है, विजिबल नहीं है कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से। यह मनोग्रंथि दिखाई दे ऐसी नहीं है, परमाणु की बनी हुई है। तो वो ग्रंथि यहाँ ये लाइफ में आती है पिछले जन्म से, और जब बाहर सरकमस्टेंसेस मिलते हैं तब वो होती है, स्प्राउट होती है। जैसे जमीन में ग्रंथि रहती है, पानी मिला है सब, तो उसमें से स्प्राउट होते हैं ना, दो पत्ते होते हैं, छोटा सा पौधा होता है, फिर बड़ा पेड़ होता है, पेड़ हो जाता है उसी में से। इसी तरह से ये ग्रंथि का भी है, स्प्राउट होते हैं, फिर उसमें से स्प्राउट होते हैं, फिर विचार शुरू हो जाते हैं, थॉट्स, और वो थॉट्स में अहंकार तन्मयाकार होता है। मन के विचारों में अहंकार तन्मयाकार हो जाता है तो आप खो जाते हैं इस विचारों में, अवेयरनेस नहीं रहती क्या विचार आते, फायदे के नुकसान के, इसमें तन्मयाकार होना या ना, तो उसमें तन्मयाकार हो जाते, उसके सारी असर आपके ऊपर अहंकार, खुद के ऊपर अहंकार ले लेता है, तो फिर मन की सारी असर उसको भुगतने में आती है। कई जैसे कितने सारे ऐसे विचार है सुबह से शाम, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं जाते हैं, आप उसमें तन्मय आकार रहते हैं, ज्यादा आपको पता भी नहीं चलता है तन्मय आकार है या नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन इतना डीपली उसमें तन्मय आकार नहीं रहते हैं, आप उसको अलग रह के रीड नहीं कर सकते, इसलिए आप उसमें खो जाते हो, यू गेट लॉस्ट। तो आपको होता है कि इतने सारे विचार आते हैं, और बाहर यह काम भी होता है और अंदर विचार भी चलते हैं, तो बाहर जो है तो मैकेनिकल वर्क है, फिजिकल काम का मैकेनिकल काम करते हैं तो मैकेनिकल होते रहता है, अंदर दूसरा चलता है बाहर का। जैसे कि आप कार चलाते हो तो कार चलाते चलाते कार अच्छी तरह से चलाते हो, ट्रैफिक के सब लॉज भी आप फॉलो करते हो, और साथ साथ में अंदर विचार भी तरह तरह के चलते हैं,
कार चलाते 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 है, वाइफ के साथ झगड़ा भी चलता है कई बार, घर पे जाकर उसको ऐसा कर दो मैं सीधी कर दूं मैं, कितना चलता है यह अंदर ही अंदर चलता है, बाहर मैकेनिकल चलता है और अंदर इसका चलता है, अंदर की दुनिया अलग है बाहर की फिजिकल दुनिया अलग है, अंदर की बहुत बड़ी हम दुनिया है, उस दुनिया में हम देखते नहीं है झांकते नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है। जब आपकी अवेयरनेस होती है, आप जागृत होते हैं, तो इन सारी चीजों से आप अलग होकर इन सबको देख सकते हो, उसमें तन्मय करोगे तो आपको कुछ इसकी इसका पता नहीं चलेगा, और आप अलग रहोगे, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये सब मेरे से अलग चीजें है, मन है बुद्धि है चीत अहंकार, तो यह सारी चीजें आप अच्छी तरह से देख सकोगे, अंदर भी देखना, अंदर भी दृष्टि जितनी रहेगी उतना आपको सब पता चलेगा क्या चल रहा है। काम की बातें हैं तो गो अहेड, नहीं है तो कह जाना गेट आउट। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मन के बारे में, क्या हम मन पर काबू पा सकते हैं? हर दिन हर पल हमारे थॉट्स हमें परेशान कर देते हैं, एंड सम थॉट्स जीवन भर परेशान करते हैं और इमोशनल बना देते हैं, ऐसा क्यों? तो इमोशंस और थॉट्स में कोई आपसी संबंध है? ये अनगिनत थॉट्स को बुलाने का या मन को स्ट्रॉन्ग करने का कोई तरीका है? चलिए सुनते हैं पूज्य निरुमा से। अभी तो ऐसा लगता है कि हर एक चीज मतलब कोई भी विचार है मतलब दैट इज इम्पोर्टेंट टू मी, ऐसा दैट इज इम्पोर्टेंट टू मी, मतलब इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि कुछ काम का नहीं है, हर एक चीज काम की है ऐसा लगता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हर थॉट थोड़ी काम के रहते हैं, बट वो थॉट्स ही रहता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मतलब वो थॉट्स आता है फिर 5 मिनट्स के बाद क्या आया था कुछ वो विचार भी नहीं रहता है, 5 मिनट तक आपको पता नहीं चलता कि क्या अंदर विचार चल रहे हैं, तो उस जितना आप साइमल्टेनियस उसको अलग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, फिर उसका फायदा ले सकोगे, चले जाने के बाद क्या करोगे, फिर इतने एक्टिव भी नहीं रह सकते हैं बाद में, डल हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स भी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भी बढ़ जाते हैं। अभी डे टू डे लाइफ में अभी ये मतलब आज्ञा को कैसे इम्प्लीमेंट करके इसको ओवरकम करना है, जो विचार आते रहते हैं, जो भी विचार है वह एक हमारे लिए एक संजोग है, कोई भी कार्य होने के लिए पहले अंदर के जो संजोग अंतस्करण में होता है ना, उसमें विचार आते हैं, बुद्धि बताती है ऐसा करो, थॉट्स बताते हैं ऐसा करो, फिर अहंकार जब डिसीजन ले लेता है ना ऐसा ही करना है तो फिर कार्य में आता है, अहंकार जब तक डिसीजन नहीं लेता है तब तक, अरे अहंकार जब तक बुद्धि के डिसीजन में एग्री नहीं होता है तब तक सभी अंदर कंफ्यूजन चलता ही रहता है, वेवरिंग वेवरिंग वेवरिंग। सपोज फॉर एग्जांपल अभी थॉट आया कि आज जाकर ये काम करना है, बैंक में जाकर इतना काम करने का है, फिर दूसरा थॉट आएगा नहीं आज की इतनी जल्दी नहीं है, 2 दिन के बाद जाएंगे तो भी चलेगा, आज जरा बारिश याद आए बैठो आराम करो, फिर कहेगा रहने दो 2 दिन के बाद क्या दूसरा काम आ गया, क्या पता हमको 2 दिन के बाद टाइम मिले ना मिले, आज है टाइम तो जाके करके आओ, दूसरा थॉट ऐसा आएगा, फिर अंदर और आएगा, फिर बुद्धि बताएगी अलग, अरे इतनी बारिश में कैसे जा सकते हैं कि उसी बीमार हो जाएंगे, फ्लू हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, तरह तरह का बताती है नहीं जाने के लिए, नेगेटिव बताती है, ऐसा चलते रहता है क्या? फिर लास्ट में बुद्धि ही डिसीजन लेती है नहीं जाने का, फिर अहंकार सही कहता है नहीं नहीं जाएगा, तो फिर वो एक्शन में नहीं आएगा, समझ में आया? तो फिर आपने अंदर ये अंदर जब अंतस्करण में ये सब चलता है उस समय आपने आपने अंदर देखना चाहिए, शुद्धात्मा की सीट में बैठ के देखो कि ये क्या चल रहा है, फिर देखो ये व्यवहार में व्यवहार का निकाल करने के लिए कितना काम का है या कितना नहीं काम का है, तो ये सब नेगेटिव बताएगा नहीं आज नहीं जाएंगे कल जाएगा, बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, ये सब बोलने की बातें व्यवस्थित थोड़े इसके हाथ में है, तो बुद्धि छुपी हमको गलत आर्ग्यू कराती है और हमारा काम ऑब्स्ट्रक्ट करती है,
उस समय हम अपने हमने बुद्धि को बाजू पर बिठा के ना, भाई ये फाइल है, इसका संभव से निकाल करना ही पड़ेगा। बैंक में जाने की ये फाइल आ गई है, पूरी करो। पॉइंट पूरी हो गई तो अब छूट गए, तो फिर आज्ञा को जितना पकड़ोगे उतना ये सारे बाकी के लोगों का बुद्धि अहंकार मन बन सब चुप हो जाएंगे। जो भी आया वो फाइल है, उसका संभव से निकाल करो। क्या करे वो तो चलता है, चलेगा ही नहीं, क्लेम तो खड़े रहेगा। 2 दिन के बाद भी तो करना तो पड़ेगा ही, तो वाई नॉट टूडे। पर यह प्रकृति है ना आलस की, वो कह के नहीं अभी निकल करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे। फिर गीता है तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस, वो कहेंगे आप का आज नहीं अभी करो, क्यों बैठे हो 2 दिन के बाद, क्यों फिर चला तूफान, कॉन्फ्लिक्ट शुरू, आर्ग्यूमेंट शुरू, फाइटिंग, फिर एक में से दूसरी फाइल खड़ी हो जाती है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं मन के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है ये मन में विचार कहां से आते हैं? क्या विचार आने मैकेनिकल है या फिर पूर्व जन्म का कुछ कनेक्शन है? क्या ये मन विचार तक ही सीमित है या फिर इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है? क्या हम अपने मन को जैसा चाहे ऐसा मोड़ सकते हैं? अगर हाँ तो मन को वश कैसे करें, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? चलिए पाते हैं पूज्य दीपक भाई से उसकी समझ। थॉट्स कहाँ से आ रही हैं? मुझे वो थॉट्स माइंड में से आते हैं। मींस इस बॉडी में फिजिकल बॉडी दिखता है, 5 सेंसेस स्पीच दिखता है, पर इनर एक्शन इनर बॉडी में होता है, अंतस्करण। उसमें मन है, बुद्धि है, चित है, अहंकार है। तो मन में से थॉट्स आते हैं, चित विजुअलाइज करता है। यहाँ बैठे बैठे आपको विजयवाड़ा में घर दिखाई देता है कि नहीं? दिखा जाता है। तो ये देखने की शक्ति चित्त की है, चित्त। ये जो मेरा क्या होगा, वो बुद्धि अहंकार सफरिंग भुगतता है मेरा क्या होगा, और बुद्धि बताती है पैसा जॉब वाला ना बोल दिया अभी क्या होगा, ये प्रॉफिट लॉस फायदा नुकसान सब बुद्धि बताती है, और डिसीजन मेकिंग भी बुद्धि का है, और इगोइज्म वो सफरिंग भी भुगतता है। या तो कोई भी डिसीजन आने के लिए, जैसे जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम रहती है ना, 2 आदमी वोटिंग करता है, बुद्धि प्राइम मिनिस्टर जैसी है, यस कहेगी दिस इज करेक्ट आई वांट टू डू दिस, मगर एक्शन में कभी आएगा इगोइज्म प्रेसिडेंट जैसा है, इगोइज्म बोलेगा गो अहेड देन वर्क विल स्टार्ट। तो ये पार्लियामेंट्री जैसा है, मन माइंड एंड चित दे आर गिविंग वॉट, दिस इज इंटेलेक्ट इज लाइक प्रेसिडेंट एंड दिस इज प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट जैसा इगोइज्म। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों आज हमने जाना हमारे मन के बारे में, हमारे अनगिनत थॉट्स जो पिछले जन्म के फल स्वरूप होते हैं, उनको हम ज्ञान से जान सकते हैं और जीवन में परम सुख का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान रिलेटेड बातें हम हर रोज लाते हैं हमारे अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1-877-505-DADA extension 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय।